साथियों, एक एमएलए भाई, एक एमपी, एक एमएलए, फाइनल युद्ध खत्म है जिंदाबाद। करमवीर सोनी, अमित पंडित जी, खुशीराम शर्मा और विजय गौड़ आए सर। भाई भरत तोंगड़, परवीन चौधरी, अजीत तोंगड़ जी, जो इतना बड़ा पद राहुल गांधी जी ने दिया है उसके अवसर पे जिस गम अगर रह जाए, मेरे साथ यहाँ पर पत्रकार बंधु भी आए हुए हैं। चाहूंगा कि पहली बार 2010 में, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से सीएलओ पे व्यापार बढ़ा रखा था वो आप सब लोग जानते हैं, और हम लोग थे जिन्होंने भूमि अधिकरण जो नया एक्ट था, जो राहुल गांधी जी की वजह से जो एक्ट बना, कोई छोटा मोटा एक्ट नहीं है। आज किसानों को जो जमीन बची हुई है आप लोगों की, वरना ये माजरा स्वराज मांडैया इनकी जमीन बचनी नहीं थी भाई, अगर राहुल गांधी जी ये भूमि अधिकरण एक्ट 2013 पास नहीं करते तो। इसकी लड़ाई कौन लड़ा? आपका भाई कैप्टन अजय सिंह चिरंजीव राव लड़े। हम लोगों ने किसान की जमीन कौड़ियों के भाव पे लेकर सेक्शन 9 और 10, 6 और 9 करके और बिल्डर ले लिया करते थे। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, हम लोगों ने संघर्ष किया है, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, और ना ही मेरा क्या बिगाड़ेगा भाई, बताओ ना, तो चिरंजीव को नौकरी चाहिए ना मेरी छोरे नौकरी चाहिए। अपनी लड़ाई केवल इलाके के लिए थी, इलाके में तरक्की हो, अकेला इलाके में विकास हो। और भाई अंबानी जो है 1,25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिए बैठा हुआ है, और 72,000 करोड़ रुपए का आपका अडानी लिए बैठा हुआ है, और जिंदल भूषण स्टील 44,000 करोड़ का कर्जा लिए बैठा हुआ है, और 12,500 करोड़ का तो लेके भाग गया। तो भैया किसानों के लिए कर्जा नहीं है, छोटे व्यापारियों के लिए कर्जा नहीं है, केवल ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये ना भगवान राम के हैं, ना ये गंगा मैया के हैं, ये किसी के नहीं है, ये अपने सगों के भी नहीं है। इनका नाम तो केवल भाई तुलसी राम है, इनको कोई भगवान राम से मतलब नहीं, कोई गंगा मैया से मतलब नहीं। ये अगर भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो आपके हमारे कैसे हो सकते हैं भाई, आप मुझे बता दीजिए। आप ये राम मंदिर नहीं बनाएंगे कभी भी, केवल भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं। और मैं आज आपके इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो ये दो मोदी तो बता दिए, और सबसे बड़ा घोटाला अगर इस देश के अंदर कोई करेगा तो वो नरेंद्र मोदी करेगा आने वाले समय में, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके साथ साथ मैं तो आप सब लोगों से यही कहूंगा कि जिस तरह से आप लोगों का प्यार आशीर्वाद हमेशा मेरे पूरे परिवार के ऊपर रहा है, आने वाले समय के अंदर भी जब चुनाव आएंगे, मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि जिस तरह से आप मुझे अपना बेटा समझ के, भाई समझ के, कंधे से